तो आज हम बनाने वाले हैं मूली के पराठे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना खस्ता और ये रेड रेड जो कलर आता है ना पराठों में, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कैसे बनाती हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। ऐसे तो सभी बनाते हैं पर सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो मैं अपना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। अगर पसंद आए तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये गेहूँ का आटा, और इसमें मैंने मिक्स किया पहले अजवाइन, सारे मसाले जो ऐसे रेगुलर बेस पे आप पराठों में डालते हैं। ये मसाले मैं भी ले रही हूँ, अजवाइन, नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और हींग, वही अभी मैंने ये जीरा डाला, और ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था मिक्सी में मैंने, इसे अभी मैं अपने ज़रूरत के अनुसार मैंने डाल दिया है। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, और मेरे घर पे कुछ ज़्यादा ही तीखा चलता है, चटपटी चीज़ें तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, और इसमें मैंने अभी ये हरा धनिया और प्याज को चॉप करके रखा था वो भी डालती हूँ, जिससे ये इसमें मतलब इसकी इस पराठे की सुगंध जो है वो बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इस वजह से आप भी जब एक बार मतलब ट्राई करिएगा मूली का पराठा, आप जब भी बनाएं तो प्याज भी डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। और अभी मैंने ये मूली को कद्दूकस करके रख लिया था, अभी मैं इसमें डालूँगी पानी निकाल के, और इसका जो पानी होता है ना मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसी से आटा गूंथती हूँ। बहुत लोग फेंक देते हैं, पर फेंक देने से क्या फ़ायदा, मूली के सारे फायदे तो निकल जाते हैं, इस वजह से मैं नहीं फेंकती हूँ, इसी से आटा लगा लेती हूँ अपना। तो बस ये जल्दी से आटा लगा लेंगे, फिर हमारा पराठा जो है बनकर तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी ना तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। तो बाय फ्रेंड।